सरकारी नौकरी और रोजगार कितना हुआ आपको मालूम है? जब 2005 में हम लोग आए, 2006 से लेकर के 2020 तक ये कहां किसी को नौकरी देते थे। तो जब हम लोग काम करना शुरू किए तो 20 के नई सरकार आई उसके पहले तक 8 लाख लोगों को नौकरी मिली हम लोगों ने दिया। और उसके बाद हमने 20 में घोषित किया और उसमें कहा कि हम लोग 10 देंगे, 10 लाख करेंगे नौकरी और 10 लाख रोजगार। पहले भी रोजगार बहुत मिला है लोगों को और आप जानते हैं इस बार जो हम लोगों ने 20 में घोषित किया है 21 से शुरू किया अब 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई, 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली जारी है और 3 लाख नए पदों का सृजन किया जा चुका है। और जब तक हम लोग हैं 10 लाख तो करवा ही देंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए आप जान लीजिए। और रोजगार भी 5 लाख के करीब ज्यादा मिल गया है। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। याद करिए कि जब शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे कहीं कोई सड़क, आप याद करिए अपने पुराने लोगों से पता करिए, अभी देखिए तो पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग कितना एक एक चीज तैयार हो गया। तो सब काम तो हम लोग करवाए और जो काम किए दूसरे के लिए लाए ये सब काम मेरा पहले से। अगर आप ही लोग याद करिए 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है लगातार नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हीं लोगों ने भी जानते हैं भी नहीं जानते कि यहाँ पर कौन किया है और जो काम किए दूसरे के लिए लाए सब काम मेरा पहले से है। एक एक काम हम करवाए हैं झूठ फूट के बोलते रहता है वो सब क्या किया। अगर आप ही लोग याद करिए 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे कहीं कोई सड़क, आप याद करिए अपने पुराने लोगों से पता करिए, अभी देखिए तो पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग है और कितना एक एक चीज तैयार हो गया। तो सब काम तो हम लोग करवाए लेकिन झूठे कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है, अरे हम तो अपना काम में लगे रहते, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं रहे, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है थोड़ी, वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ। आप जानते हैं कि एक एक चीज तय करना किसका काम था। जब सबको लाए कुछ दिन के लिए आया था उसके पहले न तय था सभी और उसका कितना ज्यादा रोहित हो रहा है। लालू यादव की चुनावी मैदान में है रोहिणी आचार्य और मीता भारती, देख लीजिए वो सबका कोई मतलब नहीं है, उसको जो मन में आवे जो करते रहे। कोई काम किया है जब उतना दिन काम किया किसी को काम किया। अब पहले कितना होता था झंझट हिंदू मुस्लिम में, जब हम लोग आए तभी ना सबसे शांत किए जी, लेकिन अपना खुद से कुछ करते रहता तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप चिंता एकदम मत करिए, अभी तो कम उम्र है इसका तब बतवाने जाती होगी तो पहले कितना काम कर दिए। इसीलिए एक एक चीज किया हुआ है और हम लोगों का काम है जो अब तक काम करते रहे हैं। लोगों को मालूम है और लोगों के बीच में जा करके देखना, लोगों के बीच में बात रखना, बाकी जिसको जो मन में आवे करता रहे झूठ बात पूछते रहे। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि सचमुच में हमारा जो पहले से किया हुआ है उसको याद रखिए और उसी को ध्यान में रखिए। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना यहाँ पे कि सीएम नीतीश कुमार जी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी बातों को इस प्रकार से स्पष्ट रूप से रखा है। उनका कहना है कि हमने सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में जो है व्यापक काम किया है और सरकारी नौकरियों को लाने में भी हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इन्होंने कहा है कि 8 लाख नौकरियां हम जो हैं शिक्षा के क्षेत्र हो या फिर कोई भी रोज़गार क्षेत्र हो हम लोग देंगे। तो ऐसे में देख सकते हैं कि चुनाव के टाइम पे नेता लोग किस प्रकार से वोट लेने के लिए अभ्यर्थियों से मांग करते हैं, ऐसे में भी नीतीश कुमार ने भी यही मांग की है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और पल पल के अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।